गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को जो है बुस्टअप कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोंकण रेलवे जॉब्स के बारे में, ठीक है, 2018-19 के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छी जॉब है और बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकली हुई है। तो पूरा का पूरा इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा फ्रेंड्स कि कैसे आपको क्या करना है, अप्लाई कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन इसके बारे में, ए टू जेड। ठीक है फ्रेंड, बात की जाए इसकी डेट की, जो है डेट जो है आपको ध्यान में रखना है, डेट आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, 5/4/2018 को शुरू हुई थी इसकी डेट रजिस्ट्रेशन और चलेगी जो है 12/5/2018 तक चलेगी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन डेट जो कि 12/5/2018 को लास्ट डेट रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में और कुछ जानते हैं बहुत सारा। ठीक है फ्रेंड, बात कर ली जाए वैकेंसी की, तो वैकेंसी जो है स्टेशन मास्टर, गुड गार्ड, अकाउंट असिस्टेंट, सीनियर क्लर्क, ये चार तरह की पोस्ट की वैकेंसी आई है। ठीक है, इसमें जो स्टेशन मास्टर जो है इसमें 55 पोस्ट है इसकी टोटल, गुड गार्ड जो है 37 पोस्ट है, अकाउंट असिस्टेंट जो है 11 पोस्ट है और सीनियर क्लर्क जो है 10 पोस्ट है। ठीक है, बाकी एक सर्विस मैन के लिए है लेकिन टोटल जो है इतनी ही पोस्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लीजिए फ्रेंड्स इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए। ठीक है, 18 से 33 साल की आपकी एज होना चाहिए। ठीक है, 1/7/2018 तक। ठीक है फ्रेंड्स, और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है स्टेशन मास्टर के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, गुड गार्ड के लिए भी ग्रेजुएशन होना चाहिए, सीनियर क्लर्क के ग्रेजुएशन होना चाहिए और अगर उनके पास BBA HR या MBA HR विल बी प्रिफर्ड, मतलब उनके पास अगर ये डिग्री है तो उनको पहले प्रावधान दिया जाएगा। अकाउंट असिस्टेंट के लिए जो है आपको BCOM होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, अगर आपने BCOM किया हो तो आप इस चारों फॉर्म को जो है भर सकते हो। ठीक, मतलब चारों पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। ठीक है फ्रेंड, आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको KRCL की ऑफिशियल साइट पर जाना है। ठीक है, यहीं से आप अप्लाई करना, कहीं भी मत जाना फ्रेंड्स इधर उधर। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फेक वेबसाइट है, तो फ्रेंड्स इसी वेबसाइट पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लीकेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात करते हैं आगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसी होंगे। ठीक है, आपका जो है पहले CBT होगा, फिर एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, अब क्या होगा, जितनी भी पोस्ट है उसका 8 टाइम्स जो है आपको एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, जितनी भी पोस्ट है उसका 8 टाइम जितने मेंबर रहेंगे उसको जो है एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और मेरिट लिस्ट जो है आपकी बनेगी, 70% वेटेज दिया जाएगा CBT पे और 30% वेटेज दिया जाएगा आपका एप्टीट्यूड टेस्ट पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो फिल करेंगे तो उनको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, CBT टेस्ट जो है टेंटेटिवली देखी गई है जून मंथ में। ठीक है, जून मंथ में आपका CBT टेस्ट होगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें निगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। ठीक है, 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा। ठीक है फ्रेंड, ये आप ध्यान में रखना। CBT क्वालिफाइंग मार्क्स ये कैसा है, देखो आप अगर OBC है, NCL या SC ST हो तो आपको 40% जो है आपको मार्क्स होना। ठीक है, 40% मार्क्स जो है आपका अगर लाओगे तभी आपका पेपर चेक होगा। ठीक है, इसमें क्वालिफाई का मतलब चेक होगा। ठीक है, अगर आप जनरल हो तो आपको 50% मार्क्स लाना चाहिए तभी आपका पेपर जो है चेक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझा होगा। बात की जाए सिलेबस और पैटर्न की, जो है पेपर पैटर्न की कैसा होगा, ड्यूरेशन जो है आपको 90 मिनट दिया जाएगा और 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है फ्रेंड, 90 मिनट दिया जाएगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे। आपका जो है 70% वेटेज जो है आपका जनरल अवेयरनेस पे रहेगा। ठीक है, 20% वेटेज जो है आपका इंग्लिश पे रहेगा, 10% वेटेज जो है आपका कंप्यूटर नॉलेज पे रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जो है यहाँ से मैथमेटिक्स का जो जितना भी पोर्शन है आप देख लीजिए, ये टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट है। बात कर लिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की, तो रीजनिंग में ये पूरे के पूरे टॉपिक आपको जो है इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ना ही आएगा, इन सब टॉपिक में से आपको क्वेश्चन आएंगे। ठीक है फ्रेंड, बाकी देख लीजिए जनरल साइंस से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से भी आपको सेक्शन देखने को मिलेगा, इंग्लिश जो है आपको ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन ETC 10th लेवल का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी होगा इसमें। ठीक है, तो आपको कंप्यूटर भी पढ़ के जाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन डेट जो है आपको KRCL की साइट पे जो है पब्लिश हो जाएंगी, इसका कोई हॉल टिकट नहीं आएगा, सीधा आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, हॉल टिकट पोस्ट से नहीं आएगा रेलवे का। ठीक है फ्रेंड्स, तो
तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बात की जाए एग्जामिनेशन फीस की, तो आपको जनरल के लिए 500 रुपये रखी गई है और अदर मतलब SC ST के लिए 250 रुपये रखी गई है। ये 250 रुपये जो है आपको रिफ़ंड की जाएंगी, ठीक है, आपके बैंक में रिफ़ंड हो जाएंगी SC ST वालों को। ठीक है फ्रेंड, तो आपको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा ये सब चीज़ें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। फ्रेंड्स बहुत सारे फ्रेंड मेरे से व्हाट्सएप पे बात करते हैं, तो वो लोग जो क्या करते हैं कुछ क्वेश्चन भेजते हैं मेरे को कि बोलते हैं बना के दिखाओ। ठीक है फ्रेंड्स, मैं सिर्फ आपके डाउट क्लियर कर सकता हूँ ये सब चीज़ें, मैं क्वेश्चन वगैरह बनाने का मैं कोई टीचर नहीं हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप ध्यान रखना ये सब चीज़ों का, मेरे को क्वेश्चन वेश्चन नहीं भेजना, भला ही आपके जो भी डाउट है मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना फ्रेंड्स, और तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय।